गाइस इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इसका सिंटैक्स देख लीजिए, यहाँ मैंने लिखा हुआ है इफ कंडीशन, यानी कि यहाँ हम लोग इफ लिखेंगे फिर कंडीशन लिखेंगे बिटवीन पैरेंथेसिस। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एल्स पार्ट में चला जाएगा और ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट प्रिंट होगा, एग्जीक्यूट होगा। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। यहाँ जैसे कि मैं लिख रहा हूँ इंट ए इक्वल 5, बी इक्वल 2, इफ ए ग्रेटर देन बी, सी आउट ए इज ग्रेटर। एल्स सी आउट बी इज ग्रेटर। ओके, तो ये क्या करेगा, प्लीज कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अदरवाइज ये एल्स वर्ड में चला जाएगा और इसको प्रिंट करेगा। तो जस्ट बिकॉज यहाँ ए ग्रेटर देन बी है तो ये इसको प्रिंट करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा ए इज ग्रेटर। ओके, नाउ इस कंडीशन को हम लोग फॉल्स करते हैं। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये एल्स पार्ट में चला जाएगा और इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। देखिए कैसे, देखिए बी इज ग्रेटर, अभी दिख रहा है बी इज ग्रेटर बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो गया और ये इस पार्ट में एल्स पार्ट में चला गया और इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।